हेलो एंड वेलकम टू आवर शो टुडेज टॉप 10। चलिए जानते हैं देश भर की 10 बड़ी खबरें। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,18,000 हुई पार। अब तक 3,583 लोग गवा चुके हैं अपनी जान। पश्चिमी दिल्ली में कॉल सेंटर के कार्यालय में अचानक लगी आग, देखते ही देखते पूरा ऑफिस आग की चपेट में आ गया। 1 जून से देश में चलेंगी 200 ट्रेनें, आज से करा पाएंगे टिकट काउंटर और एजेंट के द्वारा बुकिंग। रेलवे का बड़ा फैसला, ब्लैक टिकट बेचने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, उसी के साथ पैसेंजर से भी करी जाएगी पूछताछ। पीएम मोदी ने मानी ममता बनर्जी की अपील, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के प्रभावित इलाकों में हवाई सर्वेक्षण कर लिया जायजा। देश में 25 मई से घरेलू विमान सेवा होगी शुरू, मुंबई दिल्ली का न्यूनतम किराया होगा 3,500 रुपए। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली वासियों को फिलहाल गर्मी से नहीं मिलेगी कोई राहत, लू का रहेगा कहर जारी। पीपीई मैन्युफैक्चरर के रूप में भारत से आगे अब सिर्फ चीन, सरकार ने कहा भारत 2 महीने में ही बना पीपीई का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर। गुलाबों सिताबों का ट्रेलर आज होगा यूट्यूब पर लॉन्च, आयुष्मान और अमिताभ ने कल इंस्टाग्राम पर किया था अनाउंसमेंट। खादी के मास्क और देसी घी बनेंगे लोकल से ग्लोबल, आत्मनिर्भर पैकेज के बाद सरकार ने शुरू की तैयारी।